सिलेंडर का ना कांस्टेंट है, यानी टू
Given by f of x is equal to 3 plus mod x, where x belongs to
मेरे पास आप है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं देखूं कि मैं नॉर्मल सिंपल, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट की कहानी ये बताओ कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, जल्दी बताओ क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। माइनस थ्री के मॉड के अंदर जो टर्म होती है उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, पर इसमें ये नहीं है जीरो पे चेक करते हैं क्योंकि जीरो पे ही अपनी नेचर चेंज करते हैं। अब ये देखिए जीरो लिया, अगर मैं सिंपल से कोई काम कर लूं, अच्छा मुझे डेरिवेटिव की क्या करना है, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कर सकती हूं मॉड एक्स का फंक्शन मैं डिफरेंशिएबल कर सकती हूं जीरो पे नहीं कर सकती हूं, यहां पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकती क्योंकि नो डाउट मेरे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट इसका जो है वो क्या है जीरो। मुझे सबसे पहले अलग अलग जीरो से अलग पे मेरा फंक्शन क्या होगा, जीरो से छोटे माइनस जीरो से ज्यादा पे हम मैं डेरिवेटिव कर सकते सीधा नहीं डेरिवेटिव व्हाट एक्स का फंक्शन डिफरेंशिएबल होता नहीं। अब मैं इसका डेरिवेटिव कितना आंसर आया माइनस वन इधर वन है। अब मुझे बताओ अब कैसे करो, ये तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट आ गया मैं इसका टोटल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताऊं क्या बन जाएगा जीरो। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा जीरो, मैंने अभी आपको बताया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है जब डबल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, पता चल गया कैसे। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ उसने मुझे कहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का टू निकालो, लोकल मैं क्या कहते हैं अगर वैल्यू देखू यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के मैं ग्राफ ड्रॉ कर देखता हूँ। आपको पता है थ्री माइनस एक्स या थ्री प्लस एक्स टर्म्स ऑफ मेरे पास y, आप अगर y की है आप x कर रहे हो कि y बढ़ रहा है नहीं, क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल पा रहे हो। आप मुझे कह रहे हो कि मैम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम सेम है, आप इसकी वैल्यू 7 पुट करो अगर यहां पर ना 7 पुट कर दो इसको यहां पर यहां पर ये मिनिमम कर सकते कैसे जीरो से कम नहीं चाहते बेटर ट्राई है ग्राफ देखिए और पता चला कि आपको कह रहे थे क्या मैक्सिमम और मिनिमम का जीरो सेम नहीं है, इसीलिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करके बताया और आपको केस को क्योंकि एक्स ने मॉड की जो पड़ी है कॉस्ट बढ़ना ही है मिनिमम पहले सीखो तो जीरो प्लस नहीं तो बेटी मैक्सिमम तो मुझे तो आप इस दिस फंक्शन एज मिनिमम पानी दैट इज 3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट। अब बात करते हैं जल्दी से क्लियर क्लियर टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर बेटा ओके। चलिए अब नेक्स्ट चलो देखना एग्जांपल करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल करते हैं। मेरे पास हो गए 5, दिस इज नॉट योर क्लास बेटा, योर मैथ पीरियड इज 4। हां जी बेटा 5
find local maxima and local minima, mere paas ho gaye, of the function f of x, mere paas ho gaye, that is x power 4, 4x cube minus 12x here. आपको बार बार कहते हैं मुझे को समझ सकते का ऑर्डर दे देते उसको इजी लगता है अगर मैं डेरिवेटिव एफ एक्स डबल डेरिवेटिव साथ में हुआ तो काम खत्म किया पता है अगर मैं डबल डेरिवेटिव में डाल 6x स्क्वायर 24x ओके अब क्या करेंगे क्या बचेगा x square plus x minus 2 equal to 0 के तो करें x की 0 आगा अगर अब यहाँ पर factors बनाएं multiply करें तो minus 2 plus minus करें तो यार clear पर x plus 2 और x minus 1 equal to तो value आई एक वन और एक माइनस ओके अब डबल डेरिवेटिव तीनों का पुट सबका चेक अब मैंने डबल डेरिवेटिव को प्लस माइनस 24 और माइनस 2 आप मैंने पुट किया वन वन पुट किया तो 36 ही आया अब माइनस 2 पुट करो 72 चेक कर लो बुक में कैलकुलेशन की गलत है हां जी तो बस चेक करो बेटा चेक कीजिए बुक से कब करके बताइए कैलकुलेशन का रॉन्ग है बुक मेरे में माइनस 12 48 और 84 दिया मुझे पता गलत है कितना आया 72 ओके अब इसका मतलब ये ओके जी चेक कर लेना कितना बुक से देख के बता रही हूं तो नहीं नंबर 68 ओके कितना भी आया व्हाट इज इट इसका मतलब बता दो यहां टेस्ट की तो दैट मींस कि आप यहां पर क्या करेंगे मैक्स हो गए मैक्सिमम वैल्यू अटेन एट एक्स इक्वल्स मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कैसे करो f f ऑफ 0 यानी यहां 0 को करो तो कौन सा कितना आएगा 12 ओके यहां ग्रेटर देन इक्वल का होता है ग्रेटर देन इक्वल है तो मिनिमम मिनिमम वैल्यू ओके अगर 0 आ रहा है तो ये टेस्ट की फेल हो जाएगी टू पे चेक करना है ओके क्लियर अब बाकी में आप मैक्सिमम और मिनिमम पर निकाल सकते हैं पता चल गया क्लियर समझ आ रही है ना सबको पता चला कैसे रिजेक्ट होता है और कैसे वो असर रेफरेंस इनको पे चेक किया तो ये मेरे पास क्या रहेगा मिनिमम मिनिमम वैल्यू आई कितनी आई 1 पे लेकिन आई कितनी अब यहां 1 ओके फंक्शन पे पुट करते हैं ठीक है बेटा रसिका पता चला चलो आगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स 0 दिया मैम परफेक्ट है और बेटा देख लेना कितनी भी है मैंने एक से आप लोग इवन है ना एफ माइनस टीचर जस्ट मैंने आपको समझा दिया पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी पता है चेक कर नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी बेटा प्लीज चेक द नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 33 फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा
of the function okay karo zara sare try to do it kaise bola derivative hai 6x square minus 12x plus double derivative mein aapko saath mein 12x minus 12 okay first derivative ko equal to 0 put karo next x common le lete hain ये तो क्लियर कर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है तो x की वैल्यू कितनी है 1 चेक कर लो इसका डबल डेरिवेटिव चेक करो कितना है 0 सेकंड डेरिवेटिव तो इस पे आएंगे इसके लिए क्या करते हैं ना तो ये चाहिए क्रिटिकल पॉइंट एक ही है 1 से थोड़ी सी कम कर दूं देखिए देखिए आदि थोड़ी सी कम 0.9 मैं अगर 0.9 यहां कुछ भी करती हूं स्क्वायर है क्या देना है पॉजिटिव है इसने भी ये भी कोई नेचर चेंज कर रहा है बस डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा ना यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है ना यहाँ पर बिल्कुल मेरे पास जो है यहाँ पर बेसिकली जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन सेट होता है इस पॉइंट पे तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा इस एग्जांपल में पुराना यूज हो गया सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट हो गया फेल हो गया फर्स्ट में कैसे गए पाप कर दिया गया हम क्या हो गए फेल हो पाप फेल होने की बात नहीं पाप वो थर्ड पॉइंट कंसीडर करता है कि वो क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्लियर चलो आगे नाउ कम टू एग्जांपल 34 यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जो मैंने आपको कहा था कि पहले एक वेरिएबल में फंक्शन को चेंज यहां से मेन पूछता ओके जी और वहां पर 99% हम सेकंड बताते हैं एक साथ है उसमें एरोप्लेन वाला जिसमें हम फेल हो जाते हैं सेकंड निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है तो हम कहते हैं दबाओ कि फर्स्ट है सोचो ही ओके तो लेट अस सी एग्जांपल 34 अब देखो मैं कैसे फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सम इज 15 मेरे पास है दो पॉजिटिव नंबर है उनका सम 15 अब इसने कहा द सम ऑफ टू स्क्वायर इज द सम ऑफ मैंने इसको मिनिमम करना है इसको प्रॉब्लम क्या है ये सम दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है किस पे एक्स और वाई मैं किसी एक में चेंज करूं एक्स की वैल्यू आपको मैंने बोला था कंडीशन होती है जैसे उस क्वेश्चन में कांस्टेंट सरफेस एरिया को यहां पर क्या दिया है एक्स प्लस वाई कैसे कटेगा ये देखो जी स्क्वायर है ना वो तो फर्स्ट में आप क्या करो फर्स्ट में थोड़ा वहां से कैलकुलेट निकालेगी ना बेटा हम एक को यूज करके उसी को पुट थोड़ा कर सकते हैं उसको कभी नहीं पुट कर सकते ठीक है तो अब जिसकी मर्जी हम वाई को चेंज कर देते हैं है ना तो यहाँ देखो ऐसे बन गए आ गया ना एक वेरिएबल में हो गया कि नहीं अब आगे मेथड तो वही है
एस डैश एक्स निकालो, टू एक्स टू फिफ्टीन माइनस एक्स इन टू माइनस वन, ओके टू एक्स चेन रूल डेरिवेटिव निकाली, हाँ जी तो मेरे पास अब मैं ओपन कर रही हूं माइनस थर्टी प्लस टू एक्स फोर एक्स माइनस थर्टी मैंने तो अभी ओपन किया ना, मैंने तो अभी डेरिवेटिव थोड़ा लिया, फिफ्टीन टू द थर्टी और ये नेगेटिव था, इस नेगेटिव ने पॉजिटिव किया और टू एक्स कर दी, ठीक है जी। अब डबल डेरिवेटिव, पहले डबल डेरिवेटिव ले तो फोर आया, पर क्रिटिक यहाँ बच्चे क्या कहते हैं, छोड़ो क्रिटिकल पॉइंट निकालना, मैडम कांस्टेंट आ गया पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही रहना है ना, एमसीक्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर लंबा क्वेश्चन हो हमें प्रॉपर सॉल्व करना तो आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू जीरो पुट किया, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 15 बाय 2, इस पे डबल डेरिवेटिव देखें वो 4 ही रहना है, पॉजिटिव ही रहना है, तो मिनिमम हो गया कि नहीं, मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 15 बाय 2, ठीक है, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहां पर एक्स पहले एक्स पुट करो वाई भी निकाल लो, वाई भी क्या आएगा 15 बाय 2, ओके दोनों सेम है, दोनों सेम होंगे तो उनका स्केयर मिनिमम आएगा। अब यही क्वेश्चन कई बार वो पता कैसे आपको दो सम नंबर्स का सम नहीं देता, वो पता क्या कहता है, टू नंबर्स आर ए एंड बी, देयर सम इज कांस्टेंट एंड प्रूव करो कि उनका स्केयर जो है वो क्या है, कि वो मिनिमम तभी होगा व्हेन बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू हाफ ऑफ द सम, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, ये भी आ सकता है इक्वल है ना 15 बाय 2 तभी मिनिमम होगा, तो ऐसे एमसीक्यू करके कोई भी ऑप्शन आ सकती, ओके जी समझ आ गया सबको, चलो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखता, हाँ जी देखो इन्होंने दिया भी हुआ है आगे एक नोट या रिमार्क, प्रोसीडिंग एज इन एग्जांपल 34 वन मे प्रूव दैट द टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज के एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन के बाय टू एंड के बाय टू बोथ आर, लिखा है ना हाफ हो जाते हैं, तो ऐसे जनरलाइज वाली चीजें प्लीज अच्छी तरह पढ़ो ताकि एमसीक्यू में कहीं पे भी आ जाए तो आपको पता, ओके चलो कम टू नेक्स्ट एग्जांपल 35, एग्जांपल 35 पे बेटा देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला, पैराबोला से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट देखना है, प्रोवाइडेड कि मेरे पास सी की वैल्यू वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 5 के इक्वल दिया हो, हां जी कोई बात नहीं, मेरी बुक में जो है वो तो डजंट मैटर, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं, अब आपको भी पता है डिपेंड करता है पैराबोला की शेप कैसी है, पैराबोला ऐसा होगा मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगा, बाकी सब पे तो मैक्सिमम होगा, पैराबोला यहाँ है तो ऐसे होगा या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे कोई नहीं ले सकते, हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे पैराबोला को, मान लो मैंने एच कॉमा के ले लिया या एक्स वाई ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सच दैट दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस को हम क्या कर दें मिनिमम कर दें, तो अपने आप मेरा सॉल्व हो जाएगा, वो अपने आप जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही अप्लाई करेगा, तो मैं अगर इसको ए ले दूं
इसको बी ले दूं, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लेके फंक्शन कैलकुलेट कर रही हूं। अभी मैं फंक्शन ना लिख नहीं रही हूं किस पे डिपेंड करता है, कारण ये मुझे पता ही नहीं। सी तो कांस्टेंट है, टेंशन ही नहीं, वेरिएबल कौन से है, एच एन के। तो जब भी ऐसे हो ना तब पहले मत फंक्शन को डिस्क्राइब करो, आप पहले लिखो डिस्टेंस ए बी अंडर रूट एच माइनस जीरो स्क्वायर के माइनस सी स्क्वायर, है कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, एच और के दो वेरिएबल्स हैं, किसी एक वेरिएबल में चेंज करना, कहां से करूं, कैसे करूं, बता सकते कोई। अरे पुत्र ये एच कॉमा के ये इसे पैराबोला पे लाई कर रहा है, पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को सेटिस्फाई कराऊं यहां। जब मैंने सेटिस्फाई कराया तो k इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। अब मैं k की जगह पे मैं एच स्क्वायर लिखूं तो मेरे पास ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर, आया कि नहीं, ठीक है ना। अब सारा किस पे हो गया, फंक्शन को लेट कर दे, एफ ऑफ एच यानी मैंने किसके साथ डिफरेंशिएट करना है एच। जिस बच्चे का ये हो जाता है ना आगे कोई मुश्किल नहीं। अच्छा एक और चीज मैं बताऊं, आप कैलकुलेशंस को मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे, अगर आपके पास ये अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में आप चाहते हो कि क्योंकि अंडर रूट का डेरिवेटिव करोगे पावर आगे आएगी, ये नीचे भी करें, यस। कोई फंक्शन अगर मिनिमम या मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम या मैक्सिमम ही होता है, तो दैट मींस इसकी मिनिमम निकालने की बजाय अगर मैं एफ स्क्वायर एच की मैं इसको कोई नया नाम ले देती हूँ डी ऑफ एच, उसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे, अब मेरे डेरिवेटिव इजी नहीं हो जाएगा बेटा। अगर आप अंडर रूट करते पावर वन बाय टू, एक पावर कम तो कम होती तो माइनस वन बाय टू, वो कहां आता डिनोमिनेटर में, उसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेते तो कितना बड़ा आता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था कि नहीं। तो इसीलिए स्केयरिंग कर दो तो फिर हम करेंगे, ठीक है जी। ओके वी विल कॉन्टिन्यू नाउ टुमारो विद द सेम।